चलिए दोस्तों, आज हम आपको मूंगफली के पेड़ के विषय में बताते हैं और आपको उसका पौधा और कहाँ पर वो लगती हैं, बैठती हैं, वो भी हम आपको बेहतर ढंग से बताएंगे। चलो चलिए, ये मूंगफली का पेड़ है कि इस तरह से मूंगफली खुरपे से गाड़ी गई है, एक एक दाना, और ये तैयार हो गई है, अब खोदने के लायक है, खोदी भी जा रही है। आप देख रहे हैं अच्छे ढंग से, ये मूंगफलियों का पेड़ है। ये इस तरह से मूंगफली के पौधे लगे हुए हैं और ये आगे वो पन्नी का जानवरों से बचाने के लिए बनाया गया है, इसे धोखा बोलते हैं। और ये इस तरह से ये पन्नी वो सॉरी मूंगफली का पेड़ है। चलो हम एक पेड़ उखाड़ते हैं और फिर दिखाते हैं आपको किस तरह से मूंगफलियां बैठती हैं। हमने एक मूंगफली का पेड़ ये उखाड़ लिया, ये उखाड़ा मैंने मूंगफली का पेड़। ये देख रहे हैं इस तरह से मूंगफलियां बैठी हुई, ऐसे इस तरह से ये मूंगफलियां हैं। और इन मूंगफलियों को फोड़ के सुखा के और फिर इनके अंदर का जो बीज होता है या हम लोग अपने यहाँ की भाषा में इसको गूदी बोलते हैं अंदर की, वो फिर इसको इससे तेल भी निकाला जाता है। इसका तेल मीठा होता है और यह तेल कई दवाओं के बीमारियों के काम भी आता है। तो चलो हम आपको इस मूंगफली के छिलका उचाड़ के हम दिखाते हैं किस प्रकार से मूंगफली अपने दानों को अंदर रखती है और कैसे होते हैं। ये इंजन है और इस ये पंपिंग सेट है और ये बोर है, वहाँ से मूंगफलियाँ यहाँ पर डिलीवरी डाल देते हैं इस तरह से और वहाँ पर पहुँच जाती हैं, तब इसको सींचते हैं। चलो हम दिखाते हैं आपको कैसे इसको फोड़ते हैं। ये इस तरह से हमने ऐसे फोड़ दी, फोड़ने के बाद में ये देखो ये दाने निकले, ये दाने, ये भी कच्ची मूंगफलियां हैं और कच्ची मूंगफलियां होने की वजह से इसमें दाने भी कच्चे हैं। तो इन कच्चे दानों को खाने में ज़्यादा टेस्ट नहीं होता है, लेकिन इसको भून के खाने में, उबाल के खाने में ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट होता है। और फिर इनको भून के और नमक के साथ खाया जाए, फिर उसका भी टेस्ट एक अलग है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने आपको मूंगफली के पेड़ के विषय में और उसके छिलके को निकाल के हमने उनके गूदी दानों को दिखाया। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।